सारे जहान के मरकज़ अकीदत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश, ये हम तमाम आलम इस्लाम के लिए एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बड़ा ही अजीम तोहफ़ा है और तमाम दुनिया भर के लोग ये त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से खुशियों से मनाते हैं और हमारे भारत में भी बहुत धूमधाम से और ख़ुशी से ये त्यौहार मनाया जाता है। और आने वाली इस 16 तारीख को पीर के दिन ये ईद मिलाद नबी के त्यौहार हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 16 तारीख को जश्न ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा है, उसी तरह 17 तारीख को हमारे हम वतन गैर मुस्लिम भाइयों का गणेश विसर्जन भी उसी दिन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र का जो मरकज़ है और हमारे जो बड़े सैयद मोइन मियाँ और सैयद सईद नूरी साहब, ये लोगों ने तमाम हमारे महाराष्ट्र के जो अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदार हजरान थे, इनसे राबता करके राय ली कि अगर हम 16 की बजाय अगर 18 तारीख को जुलूस निकाले तो कैसा रहेगा। तो इस बात के ऊपर तमाम लोगों ने लबैक किया है कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स ये अमन अमान का है और लॉ एंड ऑर्डर कायदा कायम रखना यह हर मोमिन का फ़र्ज़ है और जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क का कायदा भी तुम्हें मानना चाहिए, वहाँ के लोगों का भी तुमने ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम 16 की बजाय 18 तारीख को जुलूस इंशाल्लाह बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। और 16 तारीख को जितने भी कुछ हमारे जो अरकान होते हैं, जैसे कि सुबह सादिक के वक्त हम मस्जिद के अंदर हमारे वहाँ का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम का नजराना, दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं, वहाँ पर जो मुहम्मद शरीफ की ज़ियारत होती है, फातिहा खानी वगैरह होती है, कुरान खानी वगैरह, तमाम चीज़ें हम 16 तारीख को हमारी मसाजिद खानकाएँ और मदरसों में घरों में करेंगे और सिर्फ जुलूस जो है वो हम 18 तारीख को निकालेंगे। और हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है आपके चैनल के ज़रिए कि जैसे कि हमने 16 तारीख का 18 तारीख किया हुआ है, उसी तरह आपको भी 18 तारीख को ईद मिलाद नबी की छुट्टी है देनी चाहिए। उसी तरह जैसा शराब नोशी जो होती है इस्लाम में निषिद्ध की गई है, तो हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस दिन हम जुलूस निकालने वाले उस दिन बराए करम गवर्नमेंट को चाहिए उस दिन दारूबंदी रखे। और हम तमाम लोगों की मुत्तफिक राय से ये निर्णय लिया गया है। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेम इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वह बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस हीना पार्क ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786, ईमेल ID bspatelEducationalCampus@gmail.com, वेबसाइट bspatelEducationalCampus.com। हाजी समद अली के पुत्र डॉक्टर अजीज अली द्वारा 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा अबदत्त धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवत कर अस्पताल रोड जामनी रोड भुसावल में, जिसमें आपके गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9763302788, 8390075365।